मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रिवाइज अवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ मैथ्स यूनिट एंड टेबल्स, दैट इज शेप्स. बट बिफोर फर्दर स्टार्ट आई विल गोइंग टू प्रोसीड विद द प्लेज. आई कमिट टू बी विजिलेंट एंड बियर इन माइंड एट ऑल टाइम्स रिस्क टू माई सेल्फ एंड माई कलीग्स फ्रॉम COVID-19. आई प्रॉमिस टू टेक ऑल नेसेसरी प्रिकॉशंस दैट प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ दिस डेडली वायरस. आई promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. So always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So students, सबसे पहले मैं आपको इन शेप्स के बारे में बताऊंगी और उसके बाद नीचे हमें कुछ शेप्स गिवन है, हमें बताना है कि इन ये कौन सी शेप्स हैं. बट फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट दीज शेप्स. देखो, फर्स्ट शेप है दिस वन. ये कौन सी, ये किसकी शेप है? दिस इज़ द शेप ऑफ स्क्वायर. स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स होती हैं, लाइक दिस, 1, 2, 3 and 4. So this is the shape of square having 4 sides and also having 4 corners. 1, 2, 3 and 4. Clear students? Now our next shape is triangle. This is the shape of triangle, this one. So triangle has 3 sides. 1, 2 and 3, and also it has 3 corners, 1, 2 and 3. Our next shape is this one. This is the shape of rectangle. So rectangle also has 4 sides, 1, 2, 3 and 4, and also it has 4 corners, first one, second one, third one and fourth one. So rectangle also has 4 sides and 4 corners. But difference between square and rectangle is, जो square होता है students, उसकी सारी sides की जो length होती है वो equal होती है. Means इस side की जो length होगी, इस साइड की जो लेंथ होगी, और इस साइड की लेंथ और इस साइड की लेंथ, ये सभी लेंथ इक्वल होगी. बट रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल में इस वाली साइड की लेंथ इस वाली साइड की लेंथ की इक्वल होती है, ठीक है, और इस वाली साइड की लेंथ इस वाली साइड की लेंथ की इक्वल होती है. मीन्स रेक्टेंगल में जो 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स की लेंथ इक्वल नहीं होती, ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. इस साइड के ऑपोजिट साइड ये वाली, इन दोनों की लेंथ इक्वल हो गई. इस साइड के ऑपोजिट साइड ये वाली, इन दोनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो गई, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज द शेप ऑफ रेक्टेंगल. नाउ अवर नेक्स्ट शेप इज सर्कल. दिस इज द शेप ऑफ सर्कल. सर्कल हैज नो साइड्स, नो कॉर्नर्स. ओके स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट शेप इज ओवल. दिस इज द शेप ऑफ ओवल. जैसे जो हमारा एग होता है ना स्टूडेंट्स, आपने देखा ही होगा, जो एग होता है उसकी कौन सी शेप होती है? ओवल शेप्ड होती है. ओवल शेप्ड आल्सो हैज नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स. स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द शेप्स. नाउ हमें नीचे कुछ शेप्स गिवन है, हमें बताना है इनकी नेम क्या है. आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ दीज शेप्स गिवन बिलो. सो अवर फर्स्ट शेप इज दिस वन, 2 रुपी कॉइन. जो 2 रुपी का कॉइन होता है वो, उसकी शेप कौन सी होती है? सर्कल, ये वाली. जो 2 रुपी का कॉइन आपने स्टूडेंट्स देखा ही होगा ना, उसकी कौन सी शेप होती है? सर्कल की शेप. सो ये भी 2 रुपी का कॉइन है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सर्कल. ओके स्टूडेंट्स, अवर नेक्स्ट शेप इज दिस वन, 50 रुपीज़ का नोट है. 50 रुपीज़ का जो नोट होता है उसकी शेप कैसी है? जस्ट लाइक द रेक्टेंगल ना. सो दिस इज द शेप ऑफ द रेक्टेंगल. सो आपने देखा ही होगा बच्चों, जैसे 50 रुपीज़ का नोट, उसकी कौन सी शेप होती है? रेक्टेंगल की शेप होती है. नेक्स्ट वन दिस शेप. ये जो 3 शेप्स की बने, ये आपको किसके जैसी लग रही है? जस्ट लाइक द ट्रायंगल ना. जैसे ट्रायंगल की 3 साइड्स एज वेल एज 3 कॉर्नर्स होती है, इस शेप के भी 3 साइड्स हैं, 1, 2, 3. 3 कॉर्नर्स हैं, 1, 2
and 3. So this is the shape of triangle. Our next shape is this one. This is the shape of rectangle. किसकी शेप है ये? रेक्टेंगल की. क्लियर स्टूडेंट्स? अवर नेक्स्ट शेप इज दिस वन. दिस इज द शेप ऑफ ट्रायंगल. नेक्स्ट शेप इज दिस. दिस इज द शेप ऑफ स्क्वायर. Having all sides equal, these four sides are equal. So this is the shape of square. Next one, this shape, this is the shape of oval. सो दिस इज द शेप ऑफ ओवल. लाइक मैंने आपको बताया था ना, जो एग होता है उसकी शेप कौन सी होती है? ओवल. Our next one is this picture. This is the picture of a circle. So students, this is all about our today's work. Today we have revised the shapes. Okay students, this is enough for today. Till then, take care, goodbye.